ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने देख लिया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वीडियोज़ में आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर मिल जाएगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर हमने देखा तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज आपके हैं, जस्ट ठीक है, इस तरह से आपके पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज़ क्या हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी ना किसी क्या है, एक प्लेट के ऊपर है। ठीक है, जिसने एग्जांपल ये एक प्लेट के ऊपर है, यहाँ अफ्रीका एक प्लेट है। ठीक है, और इस तरह से ये प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में कोलाइड होती हैं। इस तरह से आपस में प्लेट्स क्या होती हैं, कोलाइड होती है, जिससे फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स का, लैंडमार्क का, इन सबका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हमने देखा था प्लेट्स के, मैंने आपको अलग अलग बताए थे रीजंस भी, जैसे कि प्लेट्स का मूवमेंट इस तरह से हो सकता है, प्लेट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ हो सकता है, प्लेट्स का मूवमेंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर हम देख चुके हैं। अब देखिए, जब ये प्लेट्स का मूवमेंट होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, प्लेट के मूवमेंट से क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, वाटर अवेलेबल है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर वाटर अवेलेबल है। और ये जस्ट एन एग्जांपल, दो प्लेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ, ये इंडिया की तरफ है आप, और ये आप वहाँ एशिया के उस तरफ, मतलब चाइना आप मान लीजिए, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर चाइना मान लीजिए। तो जब ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी, तो देखिए, जब ये प्लेट्स आपस में इस तरफ मूव करेंगे तब तो कोई इम्पैक्ट है नहीं, ये वाटर का क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये प्लेट क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये प्लेट क्या हो जाएगी, थोड़ा मूव करके थोड़ा आगे चल जाएगी। अब थोड़ा आगे जाने के बाद क्या हुआ, ये वाटर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वाटर का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर ये प्लेट क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, आपस में करती हैं, कोलाइड करती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आती हैं, तब क्या होगा, तो जस्ट एन एग्जाम्पल, ये प्लेट जब इस तरफ आएंगी, ये दोनों प्लेट इस तरफ आएंगी, तो ये जो वाटर है, ये जो बीच में आपके वाटर अवेलेबल है, ये वाटर क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आप अपने दोनों दोनों हैंड्स को यूँ रखिए, अगर आपके दोनों हैंड्स को अगर आप अपने एक इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ जो भी चीज़ होगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन वाला। 3D में समझिए इसको, ये 2D है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बाकी 3D में आप समझेंगे इसको, तो क्या होगा, ये अपवर्ड राइज करेंगे। अब जैसे ही ये वाटर लेवल अपवर्ड राइज करेगा, और अगर टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो ये जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। और जैसे ये आइस में कन्वर्ट होगा, तो एक हाइट पर जाके क्या होगा, ये माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, माउंटेन्स में। तो सिमिलरली इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ है हिमालयास का, इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ है हिमालयास का। कैसे हुआ है मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक बार और हम मैप में इसको समझते हैं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर पहले कभी वाटर हुआ करता था, ठीक है, अभी की बात नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर अगो की बात है। ये आपके चाइना देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपके इंडिया है यहाँ पर, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या होता था, आपके पहले के टाइम पर वाटर हुआ करता था किसी टाइम पर। अब क्या हुआ, जब ये प्लेट्स, इंडिया की प्लेट्स इस तरह से कोलाइड हुई, और ये चाइना की प्लेट इस तरह से कोलाइड हुई, ये आपस में जब प्लेट्स कोलाइड हुई, तो ये जो वाटर था ये क्या कर गया, ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में राइज कर गया, अपर डायरेक्शन में क्या कर गया, राइज कर गया। और इस तरह से मिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या हुआ कि ये जो वाटर राइज हुआ, इसके टेम्परेचर में डाउन होने के कारण क्या हुआ, ये माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमालयास, क्या बोलते हैं, हिमालयास। तो इस तरह से बेसिकली हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, या जितने भी माउंटेन्स आपके बनती हैं वो माउंटेन्स का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। ठीक है, तो होप ये थोड़ा क्लियर हुआ हो कि कैसे है। अच्छा, प्लेट्स किस तरह से कोलाइड करती है, किस तरह से डाइवर्ज करती हैं, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, तो एक बार वापस प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले बात करते हैं हम हिमालय की बात करेंगे, सॉरी। तो देखिए, द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इन टू अ नंबर ऑफ पीसेज, दस लीडिंग द ड्यूरिंग द इंडो ऑस्ट्रेलियन आफ्टर द बींग सेपरेटेड फ्रॉम द गोडवाना लैंड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अच्छा, ये गोडवाना लैंड जो हुआ आपके ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हुआ, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, कहाँ गोडवाना लैंड है और कहाँ पर आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हैं। ठीक है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो प्लेट्स हैं, तो इस गोडवाना लैंड में और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन के कारण क्या हुआ है, टूवर्ड्स नॉर्थ, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, द नॉर्थ वर्ड ड्रिल्ड रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स विच
मच लार्जर यूरेशियन प्लेट्स, ठीक है। यूरेशिया प्लेट्स बता चुका हूँ, यूरेशिया प्लेट्स कहाँ है, ये सब प्लेट्स का आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सारी प्लेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूरेशियन प्लेट्स ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर, अच्छा सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, तीन तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जो बेसिकली क्या होती है, लेयर्स में बनी होती है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसलाइन नोन एज द टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। तो बेसिकली आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, कि मैंने आपको बता दिया, जनरल आइडिया दिया कि किस तरह से प्लेट्स कोलाइड होती हैं, उस कोलाइड के बाद क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक अपवर डायरेक्शन में राइज करती हैं, ठीक है। अपवर डायरेक्शन में राइज करने के बाद क्या होता है कि वो रॉक्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल करंट्स है, कन्वेंशनल करंट्स का मतलब क्या हुआ कि जब ये प्लेट्स टकराएंगे आपस में, जब प्लेट्स टकराएंगे तो एक वेव जनरेट करेंगे आपस में, क्या करेंगे आपस में वेव जनरेट करेंगे, तो उन्हीं को बेसिकली क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट्स। स्प्लिट द क्रस्ट इन टू अ नंबर, अच्छा क्रस्ट क्या होगा, प्रीवियस लेक्चर में ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, कोर मेंटल क्रस्ट सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। क्रस्ट को क्या करेगा, नंबर ऑफ पीसेस में क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या करता है, अपवर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन आफ्टर बींग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड से, जैसे ही इंडो वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई, और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, कहाँ पर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। देखेंगे अगर आप देखें तो इंडिया के मैप के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये जो ऊपर का नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, इसी के अंदर ये आपका फॉर्मेशन हुआ हुआ है। तो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। अब नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जैसे ही ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हुई, किससे, गोंडवाना लैंड से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अच्छा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार, रुकिए आप, ये इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर करके एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, और एक गोंडवाना लैंड है आपके, ठीक है। तो ये जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुई वेव्स के फॉर्मेशन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर वेव्स के जनरेट होने से, प्लेट्स के कोलिजन होने से क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट। अब सेम आपके यहाँ पर यूरेशियन प्लेट्स होंगी ऊपर की तरफ, यूरेशिया प्लेट है, तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो टकराने से क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर जो रॉक्स का फॉर्मेशन है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स का फॉर्मेशन है, ये क्या करेगा, राइज कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा, अपवर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या होगा, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से क्या होगा आपके, माउंटेन्स का फॉर्मेशन, जो कहाँ हुआ आपके, वेस्टर्न एशिया के अंदर आप बोल सकते हो, और हिमालयस, ठीक है। तो इस तरह से आपके हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स, ठीक है। नदर्न प्लेन्स हो गया आपका, जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो प्लेन्स है वो किस तरह से बने, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी, ठीक है। मैंने आपको बताया पर आप टेथिस, अच्छा टेथिस सी बता देता हूँ आपको, पहले कहाँ हुआ करता था आपका, जो राजस्थान का जो एरिया है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स आपको यहाँ पर टेथिस सी हुआ करता था, क्या हुआ करता था, टेथिस ऑफ, टेथिस सी, ठीक है, क्या हुआ करता था, टेथिस सी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, टेथिस सी, टेथिस सी के सूख जाने के कारण ही राजस्थान बना, आप ये मान के चलिए, ठीक है। टेथिस सी क्या हो गया, पूरा सूख गया, मतलब उसका पानी सारा इवेपोरेट हो गया, उसके बाद राजस्थान बना टेथिस सी के, और ये अभी की बात नहीं है, आप बहुत बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज बेसिन। अब बेसिकली क्या है, जैसे टेथिस सी का वाटर क्या हो गया, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया, तो अपलिफ्ट होने के कारण क्या हुआ कि वाटर जैसे ही, जैसे जैसे एग्जाम्पल यहाँ तक वाटर था, ठीक है, अब ये वाटर क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, तो ये इतना एरिया क्या कर देगा, छोड़ देगा, समझ पा रहे हैं आप, अगर ये रेस्ट इतना सा एरिया अपलिफ्ट हो जाता है, इतने एरिया में तो अपलिफ्ट हो जाएगा, बाकी ये जो रेस्ट एरिया बचेगा, ठीक है, ये रेस्ट एरिया क्या बचेगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो सेम इसी वजह से क्या हुआ कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब्सिडेंसेज ऑफ द नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन। तो इनके ये जो वाटर का अपवर डायरेक्शन के अंदर अपलिफ्ट के कारण पेनिनसुलर प्लेटू का बना, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटूज बने, क्यों, क्योंकि जो टेथिस सी है उसका वाटर अपलिफ्ट हुआ, बाकी जो रेस्ट वाटर था वो क्या हो गया, ड्राई हो गया, तो इस वजह से वहाँ पर जो नॉर्थन प्लेन के अंदर बेसिकली क्या हुआ, कुछ बेसिन बन गए। बेसिन का मतलब क्या होगा, कोई लार्ज बड़ा एरिया, खाली एरिया वो डेवलप हो गए, ठीक है। इज ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ एंड अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या हुआ फिर, अब जैसे ही ये पूरा एरिया क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ठीक है, बिल्कुल खाली हो गया, तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इन माउंटेन्स से रिवर्स निकले, और वह रिवर्स क्या हुए, इनके कुछ एरियाज से निकलना स्टार्ट हुए, ठीक है, जो ब्लैंक बेसिन्स बने, इन बेसिन्स के, लार्ज बेसिन्स के कुछ एरियाज से फ्लो होना स्टार्ट हुई, क्या फ्लो होना स्टार्ट हुई, रिवर्स, कहाँ से स्टार्ट हुई, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ उन माउंटेन से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, इवन साउथ डायरेक्शन के अंदर भी क्या हुई,
कुछ रिवर्स क्या हो गई, फ्लो होना स्टार्ट हुई, और वो रिवर्स अपने साथ क्या लेने चल क्या लेना स्टार्ट कर दी, एक्सक्लूसिव एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल क्या होती है, एक तरह की सॉइल होती है। एलुवियल क्या होती है, एक तरह की सॉइल होती है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। एलुवियल क्या होती है, एक तरह की, सॉरी 9th में तो आप हैं, एलुवियल क्या होती है, एक तरह की सॉइल होती है जो क्या होती है, रिच इन न्यूट्रेंट्स होती है। क्या होती है, रिच इन न्यूट्रेंट्स होती है। क्यों, क्योंकि ये आपके माउंटेन से निकल के आती है। तो माउंटेन से कैसे आती है कि जस्ट एग्जांपल रिवर जो है वो माउंटेन्स को अगर वेदर्ड करती है, और वेदर करने के बाद क्या होगा, वहाँ से माउंटेन्स के कुछ रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में रिवर के साथ फ्लोट करते हुए आते हैं, और फिर क्या करती है, रिवर इनको उन एरियाज जहाँ पर वो फ्लोट करती है उन एरियाज में करती है, उनको डिपॉजिट करते चलती है। क्या करती है, उस एरियाज में डिपॉजिट करती चलती है। तो एलुवियल सॉइल क्या होती है, बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, क्योंकि माउंटेन से निकल जाएगी। तो इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, इस तरह से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ज़्यादा इतना डिटेल में ध्यान रखने नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है आपको, टैथिसी के फॉर्मेशन मतलब ड्राई होने से, सब्सिडेंसेस से जो पेनिनसुला प्लेटूज हैं वो बने हैं, उनके रिजल्टेड फॉर्मेशन से एक लार्ज बेसिन बना, और लार्ज बेसिन में धीरे धीरे थोड़े टाइम में ग्रेजुअली चेंजेस के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे फिल होते गए। किससे फिल होते गए, सेडिमेंट से, बाय द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, सेडिमेंट्स बन डिपॉजिट होते गए उसमें, एलुवियल के सॉइल के फॉर्म में। सेडिमेंट्स किसके फॉर्म में हुए, एलुवियल सॉइल के फॉर्म में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन हमें मिलते हैं। ठीक है, कैसे, पेनिनसुलर प्लेटू है आपके, ओके तो बेसिकली आपके, हम कहाँ थे, हाँ तो बेसिकली जो आपके फिजिकल फीच वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा हैं, कहाँ पर, आपके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन हैं, अगर आप देखें तो देखिए फिजिकल वेरिएशन, जस्ट अ मिनट, मैं इसका एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक गोंडवाना लैंड वगैरह भी पहले क्लियर करता हूँ, जस्ट अ मिनट।